नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राइजिंग इलेक्ट्रिकल्स पे, जहाँ पर आप सीखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज को कैसे रिपेयर किया जा सकता है घर पर ही। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा दो स्विच दो सॉकेट का एक्सटेंशन बनाना, इसको कैसे बनाए, इसके प्रॉपर कनेक्शन कैसे करें। तो आइए चलते हैं इसको बनाने की ओर। दोस्तों आप लोग को चाहिए होगा इतना सामान, दो स्विच दो सॉकेट और फोर वे गैंग बॉक्स। दो स्विच दो सॉकेट का गैंग बॉक्स आप जाके मांगेंगे। और दोस्तों जब इसको आप लेने जाएं तो इसको कंप्लीट मत मांगे, ये अलग लें और वायर भी अलग से परचेज कर लें, इससे आप जब इसको बनाए तो आपको पता चले कि ये बनता कैसे है। पर दोस्तों इसको शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले इसके पैकेट को आप लोग फाड़ लीजिए। अब दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा कि ये चार स्विच वाला है और इसके पीछे वो दी गई है क्लिप्स इसको हटाने के लिए। तो इसको हम लोग प्लास से रिमूव कर लेंगे बहुत ही आसानी से। ये देखिए दोस्तों, हम लोग को दोस्तों चार रिमूव करनी है। ये देखिए, अब इस तरफ भी दोस्तों रिमूव कर लेंगे बहुत ही आसानी से। ये देखिए दोस्तों, अब ये हमारा दो सॉकेट दो स्विच का बन गया है। अब इसमें हम लोग स्विच और सॉकेट को लगा देंगे। दोस्तों लगने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इसके लिए दोस्तों हम लोग वायर काट लेते हैं। तो वायर काटने का तरीका ये है, इसको आप थोड़ा सा इसके साइज से बड़ा ही बड़ा काटें। जब आप वायर काटेंगे, जैसे ये न्यूट्रल न्यूट्रल है तो थोड़ी बढ़ा के काटें जैसे ये। अब इतना वायर आपने न्यूट्रल के लिए काट लिया, देखिए। अब स्विच से सॉकेट के लिए काट लिया इतना इतना, दो वायर लगेंगे। इसी के बराबर का एक और काट लिया, इसी को मेजर करके इसी बराबर का एक और काट लीजिए। अब एक लगेगा शॉर्ट करने के लिए, फेस को शॉर्ट करने के लिए, जहां से आप लीक का कनेक्शन लेंगे। इसको दोस्तों हम लोग काटेंगे नहीं, इसकी एमसीबी पीवीसी रिमूव करेंगे। ये वाला लास्ट में आप लेके जाएंगे और इसको ट्विस्ट कर देंगे वायर को, पूरे वायर को। दोस्तों इस जो शॉर्ट है, शॉर्ट वाले वायर में इसको आप डाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको डाल करके आप टाइट कर लेंगे। और उसको टाइट करने के बाद कुछ ये आपका सारे वायर को काट के, आप जब उसको टाइट कर लेंगे कुछ इस तरीके का आपके पास हो जाएगा। और इसमें दोस्तों हम लोग को इसके कनेक्शन आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल से कनेक्शन है। न्यूट्रल वायर ये है, फेस का शॉर्ट ये है, और स्विच से सॉकेट के लिए फेस का ये गया हुआ है। और अब दोस्तों इसमें हम लोग लीड लगा लेते हैं। लीड लगाना दोस्तों बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसमें आप लोग एक होल कर लें स्टार वाले पेचकस से, इस पेचकस से होल हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए इसमें होल हो गया है, इसमें दोस्तों लीड लगा लेंगे, लीड को अंदर डालेंगे। अंदर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे, इससे पूरा असर जब तार खींचे तो नॉट के ऊपर पड़े तार और इन सब पे असर ना पड़े। दोस्तों लीड की पीवीसी को रिमूव कर लेंगे। देखिए दोस्तों इसमें तार कहाँ कहाँ लगेंगे आपके और कैसे लगाए जाएंगे, गैपिंग कितनी रहेगी तारों में। सो ये है न्यूट्रल वायर दोस्तों, इस वाले को खोल लेते हैं हम लोग, इसके टर्मिनल को बहुत ही आसानी से, बहुत बढ़िया। खोलने के बाद दोस्तों इसके वायर को इसके साथ ट्विस्ट करना है हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से। पहले हाथ से करेंगे, जब हो जाएगा इसके बाद प्लास से करेंगे। दोस्तों उसको यू शेप में ला करके मोड़ देंगे और इसके टर्मिनल में बहुत ही आसानी से पुट कर देंगे, फिर इसको टाइट कर देंगे। अब दोस्तों एक वायर लगानी है हम लोग को फेस में, तो इस वाले वायर को हम लोग ढीला कर लेंगे। ये ढीला हो चुका है, हम लोग लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों अंदर चला गया है, बस टाइट करना है।
अब आइए दोस्तों इसको चेक करते हैं ये सही है या नहीं। और छेद दोस्तों इसी तरफ करेंगे, इस तरफ करने से एक फायदा ये मिलेगा कि आपकी जो डिस्टेंस होगी वायर की वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग इसी तरफ, इस तरफ वायर बहुत कम लोग लगाते हैं। जब दीवार में ये बोल्ट फिक्स होता है तो वायर इस तरफ लगता है, बाकी जब आप एक्सटेंशन बना रहे होंगे तो वायर इसी तरफ लगेगा। भाई इस दोस्तों इसको लगा लेते हैं, भाई दोस्तों इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको टेस्टर से चेक करेंगे कि करंट सही जगह है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए करंट हमारा बिल्कुल सही जगह है, करंट खत्म हो जा रहा है स्विच बंद करने से, तो ये कनेक्शन बिल्कुल प्रॉपर है। हमारे दोस्तों इसको चेक करते हैं, वाह बिल्कुल सही। अब इस तरफ लगा के चेक करते हैं, बिल्कुल सही। और आप लोग दोस्तों चाहें तो इंडिकेटर वाला भी बना सकते हैं, ये 5-way गैंग बॉक्स से बनता है। इसके लिए आपसे 5-way गैंग बॉक्स नहीं है बस, तो आपको साथ में एक इंडिकेटर परचेज करना पड़ेगा। इसके कनेक्शन दोस्तों बहुत ही ईजी हैं, ये देखिए दोस्तों ये बहुत इंडिकेटर लगने से ये चीज़ अच्छी रहती है, इसे ये एक्सटेंशन है इसमें भी इंडिकेटर है, तो पता चलता है कि हाँ इंडिकेटर इंडिकेट ये करता है कि एक्सटेंशन ऑन हो गया है। तो देखो इसको भी हम लोग चेक करते हैं, ये देखिए बहुत अच्छे, इसको भी से चेक करते हैं। और इसके दोस्तों मैं कनेक्शन निकालता हूँ, बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, कनेक्शन करने में ये देखिए दोस्तों इतने सिंपल से कनेक्शन है, पूरे कनेक्शन दोस्तों वही हैं, पूरे कनेक्शन सिमिलर ही होते हैं इसके। ये देखिए दोस्तों न्यूट्रल की वायर ये है, न्यूट्रल न्यूट्रल ये जा रहा हुआ है, और बस ये रहता है कि जब इंडिकेटर लग जाता है तो इंडिकेटर से गुजर के न्यूट्रल फेज जाता है, क्योंकि इंडिकेटर को दोनों चीज़ कनेक्ट करनी पड़ती है, न्यूट्रल फेज भी। तो दोस्तों ये इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए आपका अपना चैनल राइजिंग इलेक्ट्रिकल। थैंक यू सो मच दोस्तों।